हमारा यही मुद्दा है कि वैभव सिन्हा जैसे लोगों को किसी भी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के जो लोग थे जो आज तक हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, उनकी 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी कि वो पीड़ित परिवार से भी मिलें और बाकी वैभव सिन्हा से भी मिलें, ना तो आज तक कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। और इस तरह के लोग अगर किसी भी पार्टी से जुड़े रहे तो हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में हम लोग जो है कांग्रेस का विरोध करेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग कांग्रेस के जो उच्च नेता हैं उन लोगों से सबसे डिमांड करते हैं कि इसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। ऐसे लोगों को हम मतलब जो किसी भी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। ठीक है, शासन से एक हमारी मांग है कि जो लोग इसमें अभी तक पकड़े नहीं गए हैं जो भी उनकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही प्रशासन का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रशासन ने जो अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए हमारे बच्चों को सबको उनके वैभव सिन्हा के चंगुल से रिहा कराया, तो उसके लिए हम प्रशासन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी कोई नेता से मिलने नहीं आया? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हमारे यहाँ मिलने नहीं आया है। वर्बली किसी ने बात की है, बताया कि 5 सदस्यीय टीम बनी है और वो आप तक भी पहुँचेगी, ना तो आज तक हमारे पास कोई टीम आई है जिसमें सरफराज आलम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका भी बयान आया था कि कांग्रेस जो है वैभव सिन्हा की तरफ से माफ़ी मांगेगी, लेकिन वो कब मांगेगी अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो इसका मतलब आप लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं वैभव सिन्हा से, फिर छोड़ देंगे किसको? नहीं, हम लोग उसने जुर्म किया है, हम उसको क्यों, हम क्या उसको छोड़ेंगे? कानून उसको सजा देगा, उसकी सजा उसको कानून। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग यही है कि मतलब जो है उसको कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो उसको पार्टी से निष्कासित करे। ठीक है, और कानून से हम लोग यही चाह रहे हैं, प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि जो लोग अपराधी जो अभी तक फरार हैं उनकी सभी गिरफ्तारी हो जाए और सबको सजा हो। ठीक है, इस तरह का मामला किसी के साथ भी ना हो। ठीक है, प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है, इस तरह से निष्पक्ष काम किया है, इससे आवाम सेफ होगी।